राज्य के खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि किसी के भी धर्म को लेकर अपशब्द कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर के बारे में दिया गया बयान गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम में विवाद बढ़ाने का भाजपा का गेम प्लान है। आगे चलकर वह खुद को हिंदुओं की रक्षणकर्ता बताकर वोट मांगेगी। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 23वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को गांधी सागर परिसर के शिक्षक सहकारी बैंक सभागृह में हुए समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रमेश बंग, पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले, शब्बीर विद्रोही, शेखर सावर बांधे, दिलीप पनकुले, प्रशांत पवार, रमन ठवकर, प्रवीण कुंटे, रमेश फूले आदि उपस्थित थे। इस दौरान भुजबल ने कहा कि देश में जहां भी भाजपा विरोधी सरकारें हैं, वहां ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। राज्यसभा के चुनाव में भी कुछ विधायक ईडी की दहशत में थे। यह कहते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि क्या लाउडस्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, हिंदू मुस्लिम, राज राणा यह देश के मुद्दे हैं। इस दौरान वर्षा शामकुले, श्रीकांत शिवनकर, विशाल खांडेकर, चिंटू महाराज आदि उपस्थित थे। लाखों लोकांची सभा झाली, त्यामध्ये आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली। महाराष्ट्राचा प्रांताध्यक्ष म्हणून माझी नेमणूक झाली आणि त्यानंतर फक्त केवळ दोन महिन्यामध्ये आमदार आणि खासदार यांच्या निवडणुका सुद्धा पवार साहेब आणि मी आम्ही दोन बाजूला दुखेल फिरत होतो। काही ठिकाणी हेलिकॉप्टर जाऊन अनेक जिल्ह्यांमध्ये आमचे जिल्हाध्यक्ष आणि बॉडी वगैरे काही तयार नव्हते। अखेर उमेदवार जाहीर करून टाकले, इकडे गेलो तिकडे आम्ही उमेदवार जाहीर केले आणि त्या निवडणुकीला सामोरे गेलो। आम्ही ते धनुष्य पेललं, तो धनुष्य एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुभाष के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।